अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वर सार्च में खुश आमदी। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसीज आई हैं, बहुत नंबर है वैकेंसीज का, और इसमें कैसे अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बीपीएस 17 ग्रेड की ये जॉब है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 680 वैकेंसीज हैं। जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स आर इक्विवेलेंट डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन 11 सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट मार्क्स फ्रॉम एन एच सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी डिग्री जो ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, सिंधी है, और इसके अलावा उर्दू है, और जो है वो पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, तो ये इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, सिंधी, इन सब्जेक्ट्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो इंग्लिश बीएस होनी चाहिए, या आपका अगर बीए उसके बाद एमए 2 ईयर की डिग्री है, हर फील्ड में, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारों के लिए है। जो बंदा इंग्लिश से बीएस किया है या एमए है तो वो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकता है, और डिग्री में 50% मार्क्स होनी चाहिए। सिंधी वाला बंदा जो है वो बीए सिंधी में की हो, या उसकी मास्टर हो, एमए 2 ईयर जो है वो बीए के बाद भी होती है, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो उसमें जो है वो 50% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए, इस तरीके से उर्दू में भी और पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामियात में। उसके बाद नंबर 2 पर जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी बीपीएस 16 2315, बहुत भारी नंबर है, 2315 वैकेंसीज हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, साइंस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो ये 2 कैटेगरीज हैं। इट मींस साइंस के लिए जो है वो टेस्ट अलग होगा और जनरल के लिए अलग होगा, क्योंकि डिग्री वो जनरल है, वो साइंस बेस्ड है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी और जो है वो बीसीएस इन 11 सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम एन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जूलॉजी, 50% ऑफ टोटल पोस्ट इन ईच सब्जेक्ट। ये जो वैकेंसीज हैं, हर सब्जेक्ट में जो है वो 50% वैकेंसीज इनकी हैं। फिजिक्स की भी 50%, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इनकी वैकेंसीज हैं। और जनरल कैटेगरी में तो ये है, रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपका जो है वो कम से कम 15% मार्क्स होनी चाहिए। मिसलन आपकी फिजिक्स में डिग्री है तो 50% जो पहले ये वैकेंसी लेक्चरशिप, ये एसएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, ये सेम रिक्वायरमेंट इसके लिए भी है साइंस के लिए। लेकिन इसमें जो है वो बीएससी एलो है, 2 ईयर्स वाली एजुकेशन जो है वो इसमें काबिल कबूल है, जैसे इन्होंने लिखा है बीएससी 2 ईयर है, कॉलेज साइड होती है, वो भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है, बीआर बीकेम इन 11 सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो है वो 50% मार्क्स होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, इसके लिए 30% ऑफ टोटल पोस्ट, ये जो टोटल वैकेंसीज हैं इनमें से 30% वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए है, और जो 50% हर सब्जेक्ट में वो साइंस कैटेगरी के लिए। और इसके लिए पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज एंड इस्लामिया 10% ऑफ टोटल कोर्स, जो इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, इनके अलावा पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज एंड इस्लामिया, क्यों वो इंग्लिश, सिंधी एंड उर्दू, उसके लिए तो 30% वैकेंसीज हैं, 30 इन पे, 50 उन पर, और बाकी कितनी बची, 50 और 30 80 होगी, बाकी 20% है। तो ये 2 में है, पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज एंड इस्लामिया 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज, तो ये 90 होगी। और उसके अलावा जो है वो सिविक्स, इथिक्स, एग्रीकल्चर, इस्लामियात, हिस्ट्री, ओरिएंटल टीचर्स, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ड्राइंग टीचर्स, 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज। अब ये 100% कंप्लीट हो गया, तो ये जो है वो भारी नंबर साइंस का है, जो 50% वैकेंसीज हैं। बाकी जनरल के लिए जो है वो 50 है, लेकिन उनमें 3 कैटेगरीज हैं, 50 को बांटा गया है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनके लिए 30% वैकेंसीज हैं, पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज, इस्लामियात के लिए 10, और सिविक्स, इथिक्स, एग्रीकल्चर एंड इस्लामिक हिस्ट्री, ओरिएंटल टीचर्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ड्राइंग टीचर्स के लिए 10। तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, आपका जो बीएससी होना चाहिए या बीएस होना चाहिए, और बीकॉम बीए जनरल के लिए, बाकी साइंस के लिए सीधी सी बात है, साइंस में ही जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो बहुत वैकेंसीज हैं, 2315 वैकेंसीज हैं, और ये एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो रीजन वाइज वैकेंसीज हैं। कराची रीजन में टोटल जो वैकेंसीज वो कितनी हैं, ये मेल के लिए जो अर्बन रूरल कंप्लीट जो है 515, फीमेल जो है वो 256। हैदराबाद रीजन में मेल वैकेंसीज हैं वो 182, और जो फीमेल वैकेंसीज हैं वो
101, और मिरपुखाल रीजन में जो है वो मेल 145 एंड फीमेल जो है वो 52। शहीद बेनजीराबाद रीजन के जो है वो मेल की टोटल वैकेंसीज हैं 168 एंड फीमेल की जो वैकेंसीज हैं इनमें वो हैं कितनी हैं टोटल 90 हैं। उसके बाद सखर रीजन मेल वैकेंसीज 226 एंड जो फीमेल हैं वो हैं 89। नारकाना रीजन मेल जो हैं वो 284 और फीमेल जो हैं वो 189। उसके बाद लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं सीनियर वेटनरी ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर बीपीएस 18 की जॉब है, एनिमल हस्बेंड्री विंग, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पीएचडी इन वेटनरी एनिमल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन पोल्ट्री डिसिप्लिन और मास्टर एमफिल इन वेटनरी आर एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशलाइजेशन इन पोल्ट्री डिसिप्लिन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन पोल्ट्री विंग आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये भी एमफिल भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, तो फिर डीवीएम विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस है डीवीएम डिग्री, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा जो है वेटनरी ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर बीपीएस 17 है, इसके लिए रिसर्च इन वेटनरी साइंस डॉक्टर्स इन वेटनरी मेडिसिन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी 190 वैकेंसीज हैं, जस्ट डीवीएम आपकी होनी चाहिए। तो ये प्रोविंस बेस्ड वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो भी प्रोविंस बेसिस हैं, लेकिन जो सेकेंड स्कूल टीचर वो रीजन बेस्ड है, उनमें जो ऊपर दिया गया है कम्प्लीटली कितनी वैकेंसीज किस रीजन के लिए है। उसके बाद सीनियर वेटनरी ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर बीपीएस 18 पोल्ट्री विंग, इसके लिए पीएचडी इन वेटनरी आर एनिमल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन पोल्ट्री डिसिप्लिन और मास्टर एमफिल इन वेटनरी आर एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशलाइजेशन इन पोल्ट्री डिसिप्लिन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन पोल्ट्री विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। अगर पीएचडी है तो ठीक है, अगर पीएचडी नहीं है तो फिर एमफिल के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो फिर डीवीएम होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए। और ये टोटल 14 वैकेंसीज हैं। और वेटनरी ऑफिसर रिसर्च ऑफिसर बीपीएस 17 पोल्ट्री विंग, ये 52 वैकेंसीज हैं, बहुत वैकेंसीज हैं, इनमें जस्ट आपकी डीवीएम होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, इसमें जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 45 वैकेंसीज हैं, मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम एन एचईज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। और उसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफिसर बीपीएस 17 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, 4 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पर हैं। और इंस्ट्रक्शन में क्या है, सिंपली आपको 500 का चालान वो फिल करना है, स्टेट बैंक में कर दें, आप नेशनल बैंक में कर दें, ट्रेजरी में कर दें। उसके बाद आपको जो है वो जाना है एचपीएससी की वेबसाइट पर, और अगर आप ऑलरेडी लॉग इन हैं, आपका प्रोफाइल बना हुआ है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन पर जाकर आप अप्लाई करें। अगर नहीं तो फिर आपको जो है वो साइन अप करके कम्प्लीटली जो फॉर्म है वो फिल करके उसके बाद जो है वो अवेलेबल जॉब्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अवेलेबल जॉब्स पर जाकर आपको अप्लाई करना है। और चालान जो है वो आपका एलिजिबल है एक ही कैटेगरी के लिए, इट मीन्स सेम कैटेगरी के लिए एक चालान वैलिड है। और उसके बाद मेन जो चीज है, कई दोस्त जो है वो ये गलती करके बैठते हैं, लास्ट डेट जो है वो है 10 दिसंबर 2022, लेकिन लास्ट डेट पर जो है वो आप चालान 5 PM के बाद फिल नहीं कर सकते, और लास्ट डेट के अलावा आप जब भी चाहें, रात को 3 बजे चाहें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 5 AM पर चाहें कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट पर आप सिर्फ ही सिर्फ 5 PM से पहले अप्लाई कर सकते हैं, उससे बाद नहीं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, लास्ट डेट 10 दिसंबर है, और कोशिश करें लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन है, लाइफ स्टॉक है, और उसके बाद जो है वो एनर्जी डिपार्टमेंट, और जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट है, जिस भी नौजवान को कम्पीट करना है, अप्लाई करना है, तो वो कोशिश करके जल्दी अप्लाई कर दे।